आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो क्लास के टाइम पे तो यार मैं काफ़ी बार ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, पर मुझे लगता है कि लगभग 13,000 स्टूडेंट जो मेरे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो मेरे से छूट ना जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स जो हो सकता है आपकी तैयारी में हेल्प करें। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि इस तरीके का एक हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने आके इस तरीके से कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स जो हो सकता है तुम्हारी तैयारी में हेल्पफुल हो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाता हूँ, वो होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का। देखो क्या होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि हमारे पास क्या होता है कि लाइफ में टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। हमें लगता है ऐसा कि यार बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, साथ ही साथ एक्टिविटी हो रही होगी, कुछ घर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो लाइफ में ना ऐसा नहीं होता कि बहुत सारा समय एक ही बार में मिल जाएगा तुम्हें और या फिर बिल्कुल ही तुम्हें क्रश कर दिया जाए। हमेशा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जो लोग ये चीज़ मेरे साथ फील कर पा रहे हैं या जो मैं कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं वो लाइक कर देना और अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देना कमेंट बॉक्स में। तो एज अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कभी शिकायत लेके आते हैं या डिस्कस करते हैं कि सर क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हम लोग जो है अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, या बहुत तेज़ी से क्लास चल रहा है, बहुत तेज़ी से लेक्चर्स आ रहे हैं और हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप लाइफ के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो ये चीज़ आपके साथ हमेशा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैच में देख लो, बहुत बार ऐसा होगा कि 10 ओवरों में बहुत तेज़ रन पड़ेंगे, देन उसके बाद 10 ओवरों में विकेट गिर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर रन पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, एक्सपेंशन का फेज़ क्या होता है, जिस समय आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो चाहे आप IIT में हो, चाहे आप NIT में हो, चाहे आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी में हो, जीतता वही है जो एक्सपेंशन के टाइम पे अच्छा खेलेगा। इसका मतलब समझ लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है कि जब लाइफ आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी कि समय आपको कम मिल रहा है, तो उस समय आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और इंतज़ार करना है। अगर आज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर टाइम हमारा सिकुड़ रहा है, तो 100% आने वाले समय में एक्सपेंशन भी होगा। मतलब तुम्हें हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम का इस्तेमाल कर पाओगे और मैक्सिमम टाइम आपको अपना मिलेगा, कंट्रोलेबल टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पीरियड का इंतजार करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान के चलते हैं सेमेस्टर में बहुत सारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है, और आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो बीच में आपको वीक में कुछ ना कुछ वीक या संडे या फिर हॉलीडेज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप उसको कर सकते हो। तो क्या होता है, हर बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता है। हो सकता है वीक के 3 दिन आपके बहुत व्यस्त जाएं, पर अगले 3 दिन जो होगा उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो लाइफ क्या करती है, लाइफ हमेशा आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में नापती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है शुरुआत के 10 ओवर बहुत ही टाइट गए हों किसी मैच के, लेकिन क्या होता है अगर आपने वहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और अपना विकेट नहीं खोया, तो 100% आप जो अगले 10 ओवर में वहाँ पे आप फोकस कर पाओगे और वो जो 10 ओवर मिलेंगे वहाँ पे आप अच्छा खेलना। यानी कि जब एक्सपेंशन होगा, जब तुम्हें ज़िंदगी समय देगी, जब आपको तैयारी का टाइम मिले या कंट्रोलेबल टाइम मिले, तो वहाँ पे आपको रिलैक्स नहीं करना है, वहाँ पे आपको अच्छे रन मारने। तो जब लाइफ आपको कॉन्ट्रैक्ट करे तो वहाँ पे रिलैक्स रहो, चिल करो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो याद रखना एक्सपेंशन ज़रूर होगा, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन का फेस आएगा यानी कि जब आपको 3-4 दिन बल्क में मिल जाएंगे तैयारी करने के, तो वहाँ पे जम के हिटिंग करना, वहाँ पे लूज मत खेलना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो जितने भी लोग किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं, वो जो कंट्रेक्शन का टाइम आता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खेल रहे होते हैं, 2-2, 3-3 रन लेके मैडन ओवर नहीं निकालते, लेकिन जब एक्सपेंशन का टाइम आता है तो वहाँ पे यानी कि जब तुम्हें ऐसा ओवर मिलेगा, कोई वीक बॉलर आएगा या कोई ऐसा समय मिलेगा जब आप एक्सपेंड कर सकते हो, टाइम आपका अपना होगा, तो वहाँ पे जाके कम से कम 8-10 घंटे पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ रही। मतलब पूरा खींच देना, पूरा जितनी भी मैक्सिमम हिटिंग कर सकते हो तो हिटिंग कर देना। तो आप हर बार जब भी कभी भी देखो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है लाइफ में। अगर मान के चलते हैं कंट्रेक्शन हो रहा है, तो उस समय पेशेंस रखो कि ठीक है चलो ये बढ़िया बॉलर है, इसके ओवर निकाल दो, इसके ओवर में सिंगल डबल लेके मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकाल दो, और इंतज़ार करो कि जब वीक बॉलर आएगा, जब संडे आएगा, जब सैटरडे आएगा, जब वीकेंड्स आएंगे, तो वहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे। तो जो लोग वीकेंड में एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे मैच से देखूँ, तो जैसे वर्ल्ड कप से अगर हम इंडिया के देख लें, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सबने क्योंकि देखा है, तो वहाँ पे जब वीक बॉलर आए तब हमने अटैक नहीं करा, इस चक्कर में हम लोग जो है स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो जो जब कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम था, जब विकेट गिर गए थे, तो वहाँ पे ठीक था कि हम लोगों ने बचा के रखा विकेट, लेकिन जब एक्सपेंशन का टाइम आया तब एक्सपेंड नहीं करा इसलिए हम हारे। ऐसा नहीं था कि वो गलत था कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको जब ओवर मिलेंगे, जब आपको वीक डेज मिलेंगे, जब आपको ऐसा टाइम मिलेगा जो आपके कंट्रोल में है, तब आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से एक्सपेंड करना है, मतलब फुली मेहनत करनी है। सो ये छोटी सी एडवाइस है, आप लोग करके देखें, और अगर आपको रिजल्ट इसके अच्छे मिलते हैं तो आप मेरे को बताना,
ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए जिससे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी लगातार काम चल रहा है और आने वाले समय सब स्टेशन की एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना बताऊं आपको सामने से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, जितने भी लोग फाइनल ईयर में हैं जो स्विचगियर प्रोटेक्शन चाहते हैं या जो भी लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हैं उनको अगर वो उन्होंने वो सीरीज़ देख लेंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वाइवा हैं वो सारे क्रैक हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।